आनंद मोहन अभी सुर्खियों में है अपनी रिहाई से लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार के पहुंचने तक को लेकर। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड से अप्रैल 2023 के अंतिम पखवाड़े में आनंद मोहन की रिहाई हुई है, तो कृष्णैया की पत्नी उमा देवी इस रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। इसे लेकर भी सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में आनंद मोहन के फ्लैशबैक में ले जाएंगे। आनंद मोहन की 5 कहानियों को बताएंगे। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। आनंद मोहन स्टूडेंट लाइफ से ही सियासी गलियारे में आ चुके थे, उसी समय से इनकी राजनीति शुरू हो गई थी। आज भी लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये बाहुबली कैसे बन गए, गलत रास्ते पर कैसे आ गए। दरअसल इनका जन्म सहरसा जिले के पचगछिया गांव में हुआ था। तारीख थी 26 जनवरी 1956। इनके दादा राम बहादुर सिंह एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, उसी परिवेश में ये पले बड़े। 1974 में जब बिहार में जेपी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय इनकी उम्र महज 18 साल थी। इन्होंने आंदोलन में भाग लिया। इमरजेंसी के समय इन्हें 2 साल जेल में रहना पड़ा। यहाँ से इनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ। अब बात करते हैं 4 नंबर की। आनंद मोहन की अब अगली पीढ़ी भी पॉलिटिक्स में आ चुकी है। इनके बड़े बेटे चेतन आनंद शिवहर के विधायक हैं, पत्नी सांसद रह चुकी हैं, खुद आनंद मोहन भी सांसद रह चुके हैं। आप कह सकते हैं कि आनंद मोहन की अब पॉलिटिकल फैमिली में भी गिनती होती है। आनंद मोहन की शादी 13 मार्च 1991 को लवली सिंह के साथ हुई थी। बाद में पत्नी ने अपने नाम से आनंद शब्द जोड़ लिया। इस तरह पत्नी सियासी गलियारे में लवली आनंद के नाम से फेमस हो गई। शादी के 3 साल बाद 1994 में लवली आनंद ने भी सियासी गलियारे में एंट्री की। उसी साल वैशाली लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इन्हें सफलता मिली। एक समय में तो आनंद मोहन की तरह लवली आनंद भी प्राउडफुल लीडर्स की लिस्ट में शामिल हो गई थी। इनकी सभा में आनंद मोहन से भी अधिक भीड़ जुटने लगी थी। अब बात करते हैं 3 नंबर की। एक समय था जब पप्पू यादव से इनकी जबरदस्त दुश्मनी थी, लेकिन अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दरअसल आनंद मोहन और पप्पू यादव आज भी सियासत के 2 बड़े नाम हैं, और 90 के दशक में इन दोनों का कद काफी बड़ा था। खास बात की दोनों ही कोसी क्षेत्र के हैं और उस जमाने में भी दोनों की तूती बोलती थी। सीमांचल से लेकर कोसी तक में इन दोनों का डंका बचता था। वर्चस्व को लेकर खूब तनातनी होती थी, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं रही। समय के बहाव में दोनों अब दोस्त बन चुके हैं। आनंद मोहन की बेटी सुरभि आनंद और बेटे चेतन आनंद दोनों की शादी में पप्पू यादव पहुंचे थे, फिर तो गर्भजोशी से दोनों का मिलन हुआ था। अब बात करते हैं 2 नंबर की। 5 दिसंबर 1994 ये काली तारीख थी जब आनंद मोहन के जीवन में ये दिन आया। इसके एक दिन पहले गैंगस्टर छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। इसे लेकर आनंद मोहन और उनके समर्थक काफी आक्रोशित थे। उस समय जी कृष्णैया मुजफ्फरपुर में बैठक में शामिल होकर गोपालगंज लौट रहे थे। लाल बत्ती वाली कार देखकर भीड़ हिंसक हो गई थी और उस भीड़ की हिंसा के डीएम साहब शिकार हो गए। इस हत्या मामले में आनंद मोहन दोषी करार दिए गए। इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बाद में ये सजा उम्र कैद में तब्दील हो गई, लेकिन अब बिहार सरकार ने परिहार के आधार पर इन्हें रिहा कर दिया है। लेकिन इस रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अब बात करते हैं 1 नंबर की। आनंद मोहन अपनी रॉबिनहुड वाली छवि के लिए फेमस है और ये छवि आज भी बरकरार है। ये युवाओं के बीच आज भी काफी लोकप्रिय है। यही वजह रही कि जब तक आनंद मोहन जेल में रहे, युवा इनकी रिहाई को लेकर लगातार आंदोलन चलाते रहे। आज भी वे राजपूत समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। तभी तो ये किसी भी जिले में जाते हैं, रास्ते में जगह जगह युवा स्वागत में खड़े रहते हैं। इनकी लोकप्रियता से ही घबरा कर रिहाई वाले दिन इन्हें जेल से अहले सुबह ही रिहा कर दिया गया था, ताकि अप्रत्याशित भीड़ से कोई प्रॉब्लम ना हो। आप बाकी की तमाम वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।